अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में थाना सामान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं निरीक्षक हितेन नाथ शर्मा एवं उनकी टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर चोरी हुए बुलेरो वाहन को बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि फरियादी संतोष कुमार मिश्रा निवासी ग्राम बजरा टोला डेरहा थाना सुहागी वर्तमान में रीवा में किराए का मकान राकेश पांडे का अरुण नगर थाना सामान का लेकर रह रहे हैं, जिनके घर के कमरे के बाहर रोड के किनारे खड़ी बुलेरो क्रमांक MP17CA 7415 गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस FIR दर्ज कर विवेचना कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि एक बुलेरो वाहन विंध्य विहार कॉलोनी के पास पेंट की गई है जो खड़ी है। सूचना मिलने पर थाना सामान एवं सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करके बुलेरो वाहन को विंध्य विहार कॉलोनी के पास से लावारिस हालत में बरामद किया। बताया जाता है कि उक्त चोरी हुई बुलेरो ब्लैक कलर की थी, जिसे आरोपियों ने सफेद कलर करा दिया है। फिलहाल पुलिस पेंटर से जानकारी लेकर गाड़ी खड़ा करने वाले की तलाश कर रही है। लगभग 1.5 महीना पूर्व थाना सामान से अरुण नगर क्षेत्र से संतोष मिश्रा जी की काले रंग की बुलेरो गाड़ी चोरी हुई थी, जो दस्तयाब हुई है उपतादा हालत में, और उसका कलर चेंज कर दिया गया है, वाइट कर दिया गया है। इंजन नंबर 46 नंबर से उसकी सही जानकारी प्राप्त हुई है। कहाँ से बरामद हुई सर? ये यहीं सिविल लाइन TI और थाना सामान की पुलिस से मदद से जानकारी लगने पर इसका पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग गए हैं और उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है। वाहन का रंग कलर भी बदल दिया गया सर? हाँ, वाहन का कलर ब्लैक था, जिसे वाइट कर दिया गया है। ये कहाँ से किया गया है, इसकी जानकारी उठाकर आरोपियों की पतासाजी जल्द ही की जाएगी।